हम पढ़ेंगे, उसका नाम है, नाम तो सुना ही होगा वाला, रैशनल फंक्शन। अब नाम से ही लग रहा है रैशनल नंबर्स क्या होता है, पी बाय क्यू फॉर्म होता है, कुछ ना कुछ नीचे डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो रैशनल फंक्शन इज नथिंग बट इट्स द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस। ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा और नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा। अब पहली बार डिनोमिनेटर आया है, डिनोमिनेटर पहली बार आने की वजह से डोमेन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मान लो कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स, तो डोमेन की कंडीशन क्या होगी कि एच ऑफ एक्स जो है डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, वो एक्स की वैल्यू वैलिड नहीं रहेंगी जिस पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। तो डोमेन के लिए हमें इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो डोमेन पहली बार पिक्चर में आया, अभी तक हमने डोमेन सबका रियली था जितना पढ़े, क्योंकि कहीं भी डिनोमिनेटर नहीं था पॉलीनोमियल में कॉन्स्टेंट में, यहाँ आया डिनोमिनेटर। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। केस वन, कॉन्स्टेंट अपॉन लीनियर, या तो इसमें ले लेते दो टाइप, लीनियर अपॉन लीनियर। तो मान लो y इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन है बच्चों। तो यहाँ पर ये इसका डोमेन अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर x माइनस वन है, उसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे x हर वैल्यू हो सकता है सिवाय वन के, तो आंसर रहेगा x बिलोंग्स टू रियल माइनस वन। तो ये डोमेन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया अभी। अब देखो रेंज कैसे निकाले, तो रेंज में एक बेसिक फंडा याद रखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स वाई, ठीक है पूरा प्रॉपरली करते, सॉरी वाई इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू वन, वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। तो वाई एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई, तो एक्स के टर्म्स में आप फंक्शन, वाई के टर्म्स में आप फंक्शन लिखो एक्स इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वाई। देखो ये वैलिड कब हुआ, जब इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। ये वैलिड कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। तो y शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका रेंज होता है y की हर वैल्यू हो सकता है सिवाय ज़ीरो की। मुझे से कॉपी करो फटाफट। हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें हमारा रेफरेंस ग्राफ रहेगा वाई इक्वल टू वन बाय एक्स। तो ये ग्राफ ऐसे होता है, आपको याद रखना होगा वाई इक्वल टू वन बाय एक्स का ग्राफ ये होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे क्यों होता है, जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाता है, यहाँ इन्फिनिटी हो रहा है तो वाई ज़ीरो की तरफ जा रहा है। देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वाई घटते आ रहा है, घटते 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 ज़ीरो की तरफ जा रहा है। ये कभी ज़ीरो हो नहीं पाएगा, ये वाई इक्वल टू ज़ीरो लाइन है ना, ये कभी इससे मीट नहीं हो पाएगा ग्राफ, लेकिन धीरे धीरे कम होते रहेगा, उसके नज़दीक पहुंचते रहेगा, इन्फिनिटी पे मीट करेगा, मतलब मीट ही नहीं हो रहा है। और वैसे ही एक्स जब ज़ीरो की तरफ जा रहा है, ज़ीरो प्लस मतलब ज़ीरो थोड़ा बड़ा एक्स अगर है, तो वाई जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो एक्स जब ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो वाई भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर वाई, वाई इन्फिनिटी मतलब ऊपर जा रहा है और एक्स ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो वाई इक्वल टू वन बाय एक्स का ग्राफ है ये वाला, और ये पार्ट भी आता है क्योंकि जब x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव हो जाएगा। सेम कहानी, जब ये ज़ीरो की तरफ जाएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो से थोड़ा छोटा रहेगा, तो वन अपॉन ज़ीरो से छोटा विल बी नेगेटिव। सेम इधर, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। अब हमें जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है x माइनस वन का। तो हम जितने x है उनकी जगह x माइनस वन लिख देंगे। तो ग्राफ ये जो लाइन थी x इक्वल टू ज़ीरो लाइन थी, अब ये x इक्वल टू वन पे शिफ्ट हो जाएगा, एक से आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ इस तरह, ठीक है। अब बच्चों ये पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो ये पॉइंट निकालने का निंजा टेक्निक है,
एक्स को जीरो ले लो, वाई आपको मिल गया वन अपॉन जीरो माइनस वन विच इज़ माइनस वन, तो ये पॉइंट है जीरो कमा माइनस वन। अब बच्चों इस ग्राफ को देख के अगर मैं आपसे पूछूँ तो एक्स की हर वैल्यू हो सकती है सिवाय वन तक, एक्स वन नहीं हो पा रहा क्योंकि वाई इन्फिनिटी जा रहा है, तो एक्स वन नहीं हो पाएगा, वाई इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा, तो एक्स वन भी नहीं हो पाएगा, तो एक्स की हर वैल्यू हो सकती है सिवाय वन की, ये डोमेन मिल गया। देखो हमें यही मिला था। और y की अगर आप देखो तो y की हर वैल्यू हो सकती है सिवाय y इक्वल टू जीरो नहीं हो पा रहा है, वो इन्फिनिटी पे जा रहा है जीरो, यहाँ से हो के यहाँ से हो, तो y की हर वैल्यू हो सकती है सिवाय जीरो की। बच्चों ग्राफ समझा आप लोग को? डोमेन इज क्वाइट सिंपल, अगर मैं सिर्फ अच्छा इधर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, वाई को वैलिड रखने के लिए एक्स माइनस वन शुड नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन। रेंज इज ऑल्सो इज वेरी ईजी, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वाई इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू टू, तो वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, तो एक्स को एक तरफ करो बाकी लोग को उधर करो, तो एक्स हो गया टू प्लस वाई बाय वाई, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो, तो वाई शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो रेंज है वाई हर वैल्यू हो सकता है सिवाय जीरो की, और डोमेन है y x हर वैल्यू हो सकता है सिवाय वन का। अब जो ग्राफ अगर बनाएं तो हमारा रेफरेंस ग्राफ ये है y इक्वल टू वन बाय x का। अब इस क्वेश्चन में वन बाय x की जगह टू बाय x यूज़ करना होगा। देखो ग्राफ में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, उसके रूल्स आगे आएंगे, लेकिन आप अगर इसको में y इक्वल टू बाय x का ग्राफ भी बनाओगे तो ये इसका बिहेवियर सेम ही रहेगा। x जब इन्फिनिटी जाएगा ये जीरो जाने वाला है, तो ये बिहेवियर दिखने में सेम ही रहेगा, थोड़ा सा दिखेगा अलग लेकिन वो हमें अकेला है तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, x की जगह x माइनस वन लिख देंगे, तो ये आगे बढ़ेगा ऐसे हो जाएगा, x इक्वल टू वन पर आ जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो आप देख सकते हो हर x की वैल्यू ले रहा है सिवाय कि x इक्वल टू वन की, तो ये सही बात है, और हर y की वैल्यू ले रहा है सिवाय y इक्वल टू जीरो के, तो ये सही बात है। ऐसे केस में क्या करना है, डिनोमिनेटर बना दो। देखो अच्छा ठीक है, पहले तो एक सिंपल बात, x प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तो बच्चों वाली बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक, तो वाई एक्स वाई इंटू वन वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो x कॉमन निकालो y माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन, तो x इक्वल टू वाई प्लस, ठीक है माइनस वाई माइनस वन नहीं रखता हूँ, माइनस में कॉमन ही निकालता हूँ, नीचे y माइनस वन, तो आप देख सकते हो y शुड नॉट इक्वल टू वन, x वैलिड होने के लिए इसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो हमें रेंज मिल गया y हर चीज़ हो सकता है वन के अलावा। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, इसे ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करो, ऊपर कांस्टेंट लेके आओ, क्योंकि कांस्टेंट के लिए हमारे ग्राफ आता है, ये दोनों क्वेश्चन जो पहले वाले किए कांस्टेंट था ऊपर, तो कांस्टेंट लाने के लिए आप प्लस वन और माइनस वन कर दो, और ऑलरेडी माइनस वन है, ये नए लोग हैं, प्लस वन और माइनस वन ये नए लोग हैं, और ये ऑलरेडी वन पहले से था। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस वन है तो ऊपर भी x प्लस वन लेके आना था मुझे, तो ये हो जाएगा x प्लस वन अपॉन x प्लस वन माइनस टू अपॉन x प्लस वन, तो ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन x प्लस वन। ओके यहाँ तक पहुँच गए। अब बच्चों तो इसको हमें प्लॉट करना है, तो y इक्वल टू वन बाय x से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब देखो हमें पता है टू बाई एक्स का भी यही बनने वाला है, अब एक्स की जगह एक्स प्लस वन लिखेंगे, तो एक्स की जगह प्लस वन होता है तो पीछे आता है और माइनस होता आगे आता है, तो प्लस है तो पीछे हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा कुछ ग्राफ में ये चेंजेस होंगे, और यहाँ पर हो जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस वन। ओके यहाँ तक हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि माइनस इधर है, तो जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस हो जाता है, तो ये जो था ये ऊपर आ गया, ये जो नीचे का पार्ट है ऊपर आ गया, और ये जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे आ गया। लास्ट वन को ऐड करना है,
तो y इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन x प्लस वन, तो माइनस टू अपॉन x प्लस वन वन ऐड कर दिए तो क्या हुआ, देखो ये ग्राफ है ना, पहले पीछे गया था x इक्वल टू माइनस वन की तरफ और अभी वन y इक्वल टू वन से ऊपर हो गया क्योंकि वन ऐड किए हमने, ये पूरे में वन ऐड कर दिए, तो अभी ग्राफ देखो ऐसे बन जाएगा, ऐसे हुआ और कुछ ऐसे जाएगा। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन है, क्या ग्राफ ऐसे जा रहा है ओरिजिन से जा रहा है या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक्स को ज़ीरो पुट कर देंगे, तो वाई हमें मिलेगा वन माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू माइनस वन, तो ज़ीरो को हमारा माइनस वन से जा रहा है तो मतलब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। देखो ये ग्राफ से बहुत काम की चीज़ें मिल जाती है, अगर हम इसका रूट देखें तो वैसे रूट तो ऑब्वियस था कि हम इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे तो एक्स इक्वल टू वन है ना, ये लाइन क्या है वाई इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसमें y को 0 पुट कर देंगे तो x 1 मिल रहा है, तो ये रूट वन कॉमा ज़ीरो है, ये पॉइंट रहेगा। वैसे इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये पता होना चाहिए एक जे के स्टूडेंट को, इतना प्लॉट कर लो फिर हम नेक्स्ट केस पे जाते हैं। केस वन केसेस ले रहे हो तो केस लिखता हूँ, केस टू ये केस में हम पूरे इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब केस मतलब बहुत बन सकते हैं, कॉन्स्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक कर लेते, चलो देखो ये सब केस में कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक हो या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, सब में रेंज निकालने का मेथड सेम है। इसके ग्राफ नहीं बनाने हमें, ठीक है, इसके ग्राफ हम बनाएंगे लेकिन अभी नहीं बना पाएंगे, जो रूल्स है उससे ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो सिंपल अगर हम स्टार्ट करें, जो वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर, तो इसका प्रॉपर मेथड यही रहेगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू वन प्लस वाई इक्वल्स टू वन, तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वाई, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन माइनस वाई अपॉन वाई, ओके ये मिल गया। अब देखो उधर क्या था, उधर x था तो उसकी डिमांड क्या थी, डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, लेकिन यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, इसके बहुत इसके ज़्यादा डिमांड है, इसकी डिमांड क्या है कि जो सामने जिससे इक्वेट कर रहे हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो जिससे आप इक्वेट कर रहे हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, इनके हिसाब से चलना है हमें। तो आप देख सकते हो वन माइनस वाई अपॉन वाई शुड ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो वेवी कप बनाना होगा, लेकिन वेवी कप की कंडीशन क्या है, द वेरिएबल शुड हैव अ पॉजिटिव कोएफिशिएंट, माइनस वाई है, वाई का कोएफिशिएंट माइनस वन है, तो माइनस जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ ज़ीरो हुआ यहाँ वन हुआ, ज़ीरो पे ओपन ब्रैकेट भूलना मत, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आया वाई बिलोंग्स टू नेगेटिव है, तो ज़ीरो टू वन, तो इसका रेंज है 0 टू 1। और बच्चों इसका डोमेन में लिखा नहीं, डोमेन बहुत आसान चीज़ है, आप लोग आराम से कर सकते शायद, कि एक्स स्क्वायर प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, हैंस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स कुछ भी रख दो माइनस वन तो नहीं होने वाला, एक्स बिलोंग्स टू रियल। बच्चों ये एक तरीका है और ये प्रॉपर मेथड है, इसे आप याद रखो, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम लोग कई बार ऐसा करेंगे फॉर रेंज। देखो डोमेन में कोई सीन नहीं है बच्चों, डोमेन में सिर्फ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो करना है, हम टाइम बचाने के लिए ये सोच सकते हैं कि y मैक्स कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो, क्योंकि ओवरऑल चीज़ मैक्स कब होंगी, जब उसका डिनोमिनेटर मिनिमम हो, तो डिनोमिनेटर मिनिमम एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, तो ज़ीरो प्लस वन, तो ये वन मिल गया, तो y मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कैन बी इक्वल टू वन, और y मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम अगर हो गया वाई मिनिमम विल बी मैक्सिमम विल बी इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू रियल है, कुछ भी पुट कर सकते हो इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो जब ये डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये ओवरऑल चीज़ ज़ीरो की तरफ जा रही है, लेकिन ज़ीरो की तरफ जा रही है ज़ीरो नहीं हो सकती, तो हम बोलेंगे वाई जो है वो ज़ीरो मैक्स वन है, मिनिमम ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो ज़ीरो टू वन है, वन इंक्लूडेड बट ज़ीरो नॉट इंक्लूडेड, देखो सेम आया, बच्चों समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, देखो हेलो वही तो बोलो, हेलो सर,
तो प्रॉपर मेथड बेटर है, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए करेंगे क्योंकि ये फास्ट हो जाता है और कभी कभी ये ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, केस लिखो, मैं दो तीन और देता हूँ। डोमेन तो रियल है क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। रेंज के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉपर मेथड। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले लो, ये तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर विल बी माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो y अपॉन वाई माइनस वन विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो y बिलोंग्स टू, ठीक है डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं क्योंकि ये सब ओरली होती है, चलो प्लस माइनस प्लस। तो y बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 is included, 1 is not included because it is in the denominator. तो बच्चों ये इसका रेंज आ गया। जो मेथड 2 है हमने अभी थोड़ी देर पहले किए थे उसको इस तरह से ही कर सकते थे, लेकिन अगर आप नोट करो पहले जो क्वेश्चन था उसके ऊपर कॉन्स्टेंट था, 1 था, तो पूरी डिपेंडेंसी इधर थी, ये मैक्सिमम रहा तो ये मिनिमम है ना, ये मिनिमम रहा तो मैक्सिमम, क्योंकि ऊपर कॉन्स्टेंट था, इट इज़ नॉट चेंजिंग। लेकिन इधर क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, अगर ये मैक्सिमम होता है तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम अपॉन मैक्सिमम विल बी नॉट बी अ मैक्सिमम, मिनिमम अपॉन मिनिमम विल नॉट बी अ मिनिमम। तो यहाँ पर पहले आपको कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए एक ही तरीका है, डिनोमिनेटर बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन कर दो, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन बांट दिया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये देखो कांस्टेंट आ गया, कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाइजिंग दबा, हो सकता है थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा, हर क्वेश्चन हो सकता है लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगता है। क्रॉस मल्टीप्लाई इज़ अ सिंपल मेथड, यू कैन डू इट। अब देखो y मैक्स कब होगा, जब ये भाई साहब मैक्स हो क्या मिनिमम हो, बोलेगा कोई मैक्स क्या मिनिमम जल्दी बताओ, हाँ हुज़ैफ़ा इब्राहिम कोई बोल, ये वन है, अगर मैक्स करना है तो ये पूरी चीज़ को मिनिमम करना पड़ेगा क्योंकि माइनस हो रहा है, ये पूरी चीज़ को मिनिमम करना है मतलब डिनोमिनेटर को इसके मैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई मैक्स क्या होगा, ये मैक्स इन्फिनिटी हो सकता है, वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी विच विल बी ज़ीरो, तो वन की तरफ जा रहा है। और वाई मिनिमम क्या होगा, वन माइनस इसको मिनिमम करना पड़ेगा, मिनिमम मतलब एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होंगी, तो वाई मिनिमम विल बी वन माइनस वन बाय वन, इसको ज़ीरो कर दिया तो ज़ीरो हो गया। तो हम देख सकते हैं मिनिमम ज़ीरो है और मैक्सिमम वन है, ज़ीरो टू वन जा रही है वैल्यू, ज़ीरो हो सकता है वन नहीं हो सकता है, सेम आंसर, ये नए टाइप में चल जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ ये प्रॉब्लम होगी कि एक्स स्क्वायर साइड में आ गया तो एक्स तो इधर रह जाएगा, हमें पूरा x एक साइड होना और पूरा इधर फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, x के टर्म्स नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ नहीं हो पा रहा है ना, x कॉमन निकालोगे तो एक x बच जाएगा। तो ये इस टाइम पे क्या करेंगे, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x मान लेंगे। तो केस वन रहेगा, बहुत आराम से करेंगे इसको, कि एक्स स्क्वायर अगर ज़िंदा रहे तो ही क्वाड्रेटिक है ना, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ज़ीरो ना हो, अगर कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं है जो कि वाई है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है। अब एक्स की कोई ना कोई रियल वैल्यू तो मिल ही रही है, डोमेन आपने चेक कर लिए होंगे रियल ही आ रहा है, तो रियल मिल रही है मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है शुड ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देख सकते हो ये ए है, बी इज़ माइनस वन एंड सी इज़ वाई, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, b is माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये देखो ये छोटी सी बात है लेकिन बस बताना ज़रूरी है, एडवांस पढ़ रहे तो वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, फोर वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको वेवी कर्व सॉल्व करना है, वेवी कर्व में स्प्लिट करना पड़ेगा, तो इस फोर को टू वाई का होल स्क्वायर लिख दो, तो टू वाई माइनस वन इसको वन स्क्वायर लिख दो, टू वाई प्लस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से स्प्लिट कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी
वीवी कर्व माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आया आंसर y बिलोंग्स टू माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू। लेकिन मैंने पहले ही मेंशन कर दिया हो कि y ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इससे इंटरसेक्शन लेना पड़ता है ज़ीरो। केस टू ये रहेगा कि चेक करते भाई y ज़ीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जैसे ही y ज़ीरो होगा इट विल नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इट इज़ ए मैटर ऑल्सो। y को ज़ीरो पुट किया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, माइनस x इक्वल टू ज़ीरो मिल गया, x इक्वल टू ज़ीरो। अब x इक्वल टू ज़ीरो पे इधर पुट करूँगा मैं, हाँ y ज़ीरो हो रहा है तो y ज़ीरो भी हो सकता है क्योंकि x ज़ीरो पुट करने पे हो रहा है। तो यहाँ से जो मैंने इसको एलिमिनेट किया था इसे मैं वापस ला लूँगा पिक्चर में, फाइनल आंसर वुड बी ये आंसर यूनियन x इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एलिमिनेट इधर हुआ था, यूनियन में आ गया वापस, तो आंसर है माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू। और डोमेन का कोई सीन नहीं था, ईजी है। एक बात मुझे बतानी थी बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ना x अपॉन, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसे ना बिना इसके भी किया जा सकता था, वो भी लिख लो, क्योंकि ना यार ये हम लोग जेई में करते हैं भाई, बच्चे लोग भी करते हैं। तो ये x को हम नीचे ले ले अगर, तो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, मतलब ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, पता होना चाहिए हमें एज अ जेई स्टूडेंट्स, ये बन गया। अब हमें एक बात पता है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स जो है ना वो हमेशा दो से बड़ा होता है, या x प्लस वन बाई एक्स ना हमेशा माइनस दो से छोटा होता है, ये बात पता होना चाहिए हम सबको। कोई भी एक नंबर है उसको अपने रेसिप्रोकल से अगर ऐड कर दो और वो पॉजिटिव नंबर है तो वो दो से बड़ा रहेगा, और कोई भी नंबर है अगर वो नेगेटिव नंबर है उसके रेसिप्रोकल से आप ऐड कर दो वो माइनस दो से छोटा रहेगा। तो ये फ्रेम का है, एडवांस में भी एक टाइप का क्वेश्चन आया था, तो मालूम क्या पड़ा, ये दो से बड़ा है हमेशा, तो जब मैं रेसिप्रोकल लूँगा ये वन बाई दो से हमेशा छोटा हो जाएगा, और यहाँ रेसिप्रोकल लूँगा तो ये माइनस वन बाई दो से बड़ा हो जाएगा। यही y है बच्चों, वन बाई टू से छोटा और y माइनस वन बाई टू से बड़ा, तो माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू। ये मेथड भी लिखो, काम की चीज़ है काफ़ी, ये इस केस में एप्लीकेबल नहीं है लेकिन इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, टाइम बच जाता है, मतलब अगर दिख गया आपको तो। जैसे कि अगर मान लो एक क्वेश्चन लिख दूँ मैं, x अकेला है ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है मान लो, तो एक दिमाग की घंटी बजती है कि यार इसको नीचे भेज देता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स। अब ये 1x प्लस 1 बाई एक्स जो है हमेशा दो से बड़े रहेंगे, या तो उससे डायरेक्टली आंसर आ सकता है, ठीक है। नीचे प्रॉपर मेथड से राइट आया आपका, जमील जमील ने आंसर दिया गया। ये बात भी लिख लो, इस क्वेश्चन पे आता हो, जिसने आंसर दिया वो ये ट्राई करे जी। कई क्वेश्चन है अभी, लेकिन ठीक है अभी बहुत आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, अब तो लेवल वैल्यू नहीं रहा इसका, लेकिन मेंस में आ रहे हैं अभी, एडवांस में तो ये एडवांस का क्वेश्चन है। मेंस में ऐसे दो तीन चार क्वेश्चन देखो जिसमें सब्जेक्टिव का था क्वेश्चन, तो उसमें रेंज ही निकालना पड़ता है कोडोमेन के लिए, तो यही हो जाता है। अब देखो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई एक्स स्क्वायर थ्री एक्स वाई एक्स इधर भेज देते,
एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो 3y-1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 6y-2। अब बच्चों क्वाड्रेटिक इन एक्स बनने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो वाई है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, केस वन। अगर ये वाई ज़ीरो नहीं है तो देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, जिसके अंदर हम देख सकते हैं ये बी है, ये सी है और ये ए है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो इससे आंसर आ गया होगा आपका 3y-1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिंप्लीफिकेशन हो जा रहा है, इसमें 2 कॉमन अगर निकालो मैं 8 हो जाएगा बाहर, और ये 3y-1 हो जाएगा, और यहाँ भी 3y-1 है। तो हमें सिंप्लीफिकेशन दिख गया, ज़रूरी नहीं कि हर जगह हो, अगर नहीं दिखता तो आपको प्रॉपरली इसका स्क्वायर ऐड खोलना पड़ता। तो 3y-1 कॉमन निकल गया तो एक 3y-1 रह गया और इधर -8y रह गया, तो ये 3y-1 -5y-1। परंपरा तो यही है कि y का कोएफिशिएंट नेगेटिव ना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, -1/5, 1/3 +-+, तो y बिलोंग्स टू आंसर आ गया -1/3 to 1/3, और मैंने पहले ही मान लिया तो ज़ीरो ना हो सकता है। तो सेकंड केस हैगा, अगर ज़ीरो रहा तो क्या, तो y अगर ज़ीरो रहा तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो ठीक है लिख देते हैं। ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, कब्बा उड़ा, तो ये x इक्वल टू -2 आ गया। तो अब चेक करने के लिए x इक्वल टू -2 इधर पुट करो, हाँ यार -2 पुट करने पे y ज़ीरो हो रहा है, पास हो गया, तो x y ज़ीरो हो सकता है मतलब। तो जो मैंने इधर इसको जो इसको कल्टी दिया था उसको वापस इन ले लेते, तो y बिलोंग्स टू -1/5 to 1/3, सही ये आंसर आ गया। जिसका हो गया ट्राई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, जिसका हो गया नीचे ट्राई करें। तो इसे भी वैसे ही करना है, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बच्चों हम डोमेन का ध्यान नहीं दे रहे, बाई चांस जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ शायद सबके डोमेन रियल ही, देखो जैसे अगर डोमेन पूछता तो मैं डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो कर देता वैसे, और इसका डी बाई चांस -3 हो रहा है बच्चों, इसका डी नेगेटिव है तो कोई भी एक्स के लिए ज़ीरो होने ही नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि वो इजी पार्ट है इसलिए उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो याद रखना, डोमेन पूछा है तो वो तो सबको आता भी आई होप्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकला y-1, यहाँ से एक्स कॉमन निकला ये -x हो गया, तो -y-1 +y-1 इक्वल टू ज़ीरो, ए बी सी। तो वही परंपरा बच्चों, केस वन थोड़ा फास्ट लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर का जो बाजू वाला है वो ज़ीरो ना हो तो y वन ना हो तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, तो b -1 -y का होल स्क्वायर -4 y -1 y -1
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो जा रहा आराम से, क्योंकि माइनस बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर्स को खा लेगा और ये ऐसी बच जाएगा, और ये माइनस टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ वाई प्लस वन माइनस टू इंटू वाई माइनस वन हो गया, और यहाँ पर वाई प्लस वन प्लस टू इंटू वाई माइनस वन हो गया। तो यहाँ पर y माइनस टू वाई माइनस वाई माइनस टू प्लस थ्री, आप स्लोली लिख लेना, मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ, थ्री वाई माइनस वन ये पहुँच गए। y का कोएफिशिएंट थ्री है, माइनस वन है, माइनस से मल्टीप्लाई किए y माइनस थ्री हो गया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो y हमारा मिल गया वन बाय थ्री टू थ्री, बेबी कप बना लो। और हमने इधर लिखा था कि वन नहीं हो सकता है, सॉरी हाँ जीरो गलत लिखा, वन नहीं हो सकता है, तो वन को निकाल दिए। बच्चे सोच रहे होंगे हर केस में तो पास हो रहा है, कभी कभी धोखा होता है, कभी कभी वो पास नहीं होता है। वो कब नहीं होता है, वो केस लेता था मैं, इतना टाइम नहीं अपने पास, कभी कभी निकल ही जाता है। तो y अगर इक्वल टू वन रहा तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते डायरेक्ट, तो ज़ीरो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस वन प्लस ज़ीरो। तो हम देख सकते माइनस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हाँ भाई वही वन हो सकता है, हाँ भाई वन हो रहा है, तो ये पास हो गया। तो फाइनल आंसर इज वन बाई थ्री टू वन, ये जे का है, सिंपल सवाल है वैसे। ये आया किसी का, देखो पहली बात तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डोमेन अगर पूछा है तो यहाँ पर डोमेन आ रहा है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड माइनस थ्री तो रियल हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल, माइनस जीरो कॉमा माइनस थ्री, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू एक्स एक्स माइनस एक्स हो गया, माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर बाय इधर गया वाई माइनस वन, एक्स के बाजू थ्री वाई प्लस वन प्लस टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक है वही परंपरा। केस वन वाई नॉट इक्वल टू वन देन इट विल बी अ क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो ना हो, तो अगेन ए बी सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, थ्री वाई प्लस वन होल स्क्वायर माइनस फोर ए इज वाई माइनस वन एंड सी इज टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नाइन वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस वन माइनस एट वाई प्लस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो नाइन वाई स्क्वायर माइनस सिक्स फोर्टीन वाई प्लस नाइन। अब देखो बच्चों ये स्प्लिट ही नहीं होने वाला, अगर कोई क्वाड्रेटिक स्प्लिट नहीं होता है ना उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। तो माइनस बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आ रही है, देखो एटी ना वन इंटू फोर, एटी वन इंटू फोर, फोर एट जो ट्वेंटी फोर, और वो फोर्टीन का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है ना। देखो ये डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ गया, अगर कोई क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो उसका ए चेक करो, ए इसका 9 है वो पॉजिटिव है, अगर कोई क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ए पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हमेशा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। कोई भी वाई की वैल्यू पुट करो, तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, ग्रेटर देन रही तो भी काफ़ी हो गया, तो यहाँ से मालूम पड़ता है रेंज रियल भी हो सकता है, वाई कैन टेक ऑल वैल्यूज रियल मतलब। सेकेंड केस, केस टू, वाई अगर वन रहा तो, वन रहा तो जो हो वो हो, ये केस तो पास ही हो रहा है अभी तक, ये उड़ा थ्री फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू। बच्चों ये पुट कर दो इधर, तो माइनस वन बाई टू पुट करो, वाई वन ही बन जाएगा वो देख लेना आप, तो वाई वन हो सकता है, तो यूनियन लेंगे तो फाइनल आंसर है। अच्छा यहाँ से रियल में से एक वन उड़ाना था, फाइनल में रियल आया, क्लियर है बच्चों। फिर फंक्शन क्लास केस है।
कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिखेंगे आपको, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कॉमन रह जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर देखिए हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एवरीथिंग वो तो करना है हमें, लेकिन आप ओरली देख सकते हो यहाँ पर कुछ कॉमन हो गया। इसको फैक्टराइज करा तो ये बन गया, इसको फैक्टराइज किया तो इस फोर को टू स्क्वायर लिख सकते, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये उतना कॉम्प्लिकेट क्वाड्रेटिक ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है कि अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर रहे हो तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस टू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू टू, ये बात आपको साइड में लिख देना है। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे टाइप वन में चले गया, लीनियर अपॉन लीनियर, और वो हमें आराम से आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, वाई एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एक्स कॉमन निकला, वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू वाई, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू वाई अपॉन वाई माइनस वन। तो अभी हमें पता है एक्स की तो यही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो वाई शुड नॉट इक्वल टू वन। तो हमारा आंसर जनरली हम बच्चे क्या लिख देते हैं, वाई आर बिलोंग्स टू आर माइनस वन, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, अधूरा है, मतलब इनकम्प्लीट है। अब क्यों का इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो मेरा फंक्शन है एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, उसके अंदर मैं एक्स को टू भी नहीं पुट कर सकता हूँ। अगर मैं एक्स को टू नहीं पुट कर सकता हूँ तो वाई की वैल्यू टू माइनस थ्री, एक्स की जगह टू पुट कर दो, अपॉन टू प्लस टू, वाई की वैल्यू माइनस वन बाय फोर भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इनपुट टू ही नहीं आएगा। ये फंक्शन के लिए रेंज निकाला ना मैंने, ये फंक्शन ऑलवेज टू है, लेकिन सिवाय एक्स टू छोड़ के, हर जगह है एक्स टू छोड़ के। तो एक्स अगर टू हो गया तो वाई माइनस वन बाय फोर हो रहा है, तो एक्स टू इनपुट में टू आएगा ही नहीं, तो आउटपुट में माइनस वन बाय फोर मिलेगा ही नहीं। तो इसका कंप्लीट आंसर है कि वाई वन नहीं हो सकता, ये हमें मिला था, और दूसरा है माइनस वन बाय फोर भी नहीं हो सकता। तो रियल माइनस माइनस वन कॉमा माइनस वन बाय फोर, समझा बच्चों? फिफ्थ शायद इरेशनल फंक्शंस, जो भी फंक्शन में रूट्स आए वो इरेशनल फंक्शन। तो जैसे कि रूट एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जो भी है, जो भी अजीब अजीब इरेशनल लिख रहे हैं ना, टू बाई थ्री, ठीक है, रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये सब इरेशनल में आ जाएंगे, ठीक है, रेडिकल साइंस आ जाएंगे इधर पावर में। तो इधर अभी डोमेन के दो पार्ट हमें मिल जाएंगे डोमेन निकालने के, एक तो डिनोमिनेटर का हमें मिल गया कि डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, और दूसरा जो मिल जाएगा रूट की वजह से, रूट या इवन पावर, वन बाय इवन पावर, डिनोमिनेट रूट के अंदर जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो। और इसी में अगर मैं सब टॉपिक बना लूँ कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, रूट ऑफ जी एक्स, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की भी कंडीशन है ज़ीरो ना हो और रूट की भी कंडीशन है, तो जी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं लिखूँगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो लिखूँगा। तो डोमेन, अभी थोड़े डोमेन के क्वेश्चन हम कर पाएंगे इरेशनल फंक्शन पे। डोमेन में एक और बात, अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स या माइनस जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज़ नॉट ए ज़ीरो, तो उसका ध्यान देना ही पड़ता है। ये सब में अगर मान लो एफ ऑफ एक्स का डोमेन, ये मान लो एक नया फंक्शन एच ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डोमेन मान लो डी वन है और जी ऑफ एक्स का डोमेन मान लो डी टू है, तो एच ऑफ एक्स जो फंक्शन के अंदर ये दोनों आए, ये सब, इसका डोमेन हो जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ डी वन इंटरसेक्शन डी टू, दोनों डी वन डी टू का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो जितने भी टर्म्स हैं हम उन सब के डोमेन निकालेंगे इंडिविजुअल, और लास्ट में इंटरसेक्शन लेंगे, इतनी बात लिखो। अब डोमेन के क्वेश्चन करेंगे हम, हाँ डोमेन के, एक ग्राफ आपको याद रखना है इसमें रैशनल में रूट एक्स का, रूट एक्स का ग्राफ ऐसे होता है बच्चों,
एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, रूट एक्स का ऐसे होता है। अब वाई इक्वल टू रूट एक्स, एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा रूट एक्स की वजह से, रूट के अंदर है, और वाई रूट से इक्वेटेड है तो वाई भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका रेंज भी ज़ीरो टू इन्फिनिटी है, क्योंकि देखो वाई रूट से इक्वेटेड है, रूट एक्स रूट वाली चीज़ रूट फोर इज़ ओनली टू, नॉट प्लस माइनस टू, और एक्स भी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ये आप याद रखो। और देख सकते हैं आप ग्राफ भी एक्स पॉजिटिव में ही है और वाई पॉजिटिव में ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों पॉजिटिव है, ये इतना याद रखो रूट एक्स। अगर मैं रूट एक्स माइनस वन का पूछूं तो एक से आगे बढ़ा दोगे आप, राइट? और अगर मैं रूट एक्स प्लस वन का पूछूं तो पूरे में प्लस हुआ है तो एक से ऊपर कर दोगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों ये सब? यस सर। मैं तीन क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट आंसर लाना। अब ये देखो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं, इसके हिसाब से दर्ज है तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से मिला एक्स वन नहीं होना चाहिए, और इसके हिसाब से अगर सोचे तो रूट के अंदर की चीज़ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका डोमेन ये आया, इसका डोमेन ये आया, तो हमें लास्ट में इनका इंटरसेक्शन लेना होगा, तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी लेकिन वन ना हो, वन ना हो, ठीक है? तो हम आंसर देखेंगे ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन, या तो ज़ीरो टू वन, वन को निकाल के फेंको, यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ये ओपन ब्रैकेट ने वन को निकाल के फेंक दिया, ठीक है? ऐसे लिखेंगे, या तो ये दोनों भी राइट आंसर है। नेक्स्ट इसमें एक ही कंडीशन है बच्चों कि रूट है, तो यहाँ पर आएगा बस एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, रूट के अंदर जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में वेवी कर्व के है सब, तो एक्स कॉमन निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, वेवी कर्व में एवरी टर्म टू शुड बी अ लीनियर ना, तो इसे एक्स माइनस टू, फोर को टू स्क्वायर लिख के एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस टू ज़ीरो टू प्लस, सबका पावर ऑड है तो साइन चेंज उतरेंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस टू टू ज़ीरो यूनियन टू टू इन्फिनिटी। इसका आया बच्चों फोर कॉमा सिक्स, सिक्स नॉट इंक्लूडेड। सही, तो जो भी रूट के अंदर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे इस कंडीशन को, तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू फोर हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं हो सकता, सिक्स माइनस एक्स तो माइनस एक्स, ग्रेटर देन माइनस सिक्स तो एक्स लेस देन सिक्स, तो लास्ट में इंटरसेक्शन निकालने का हमारा तरीका क्या है, ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है फोर से बड़ा, ये एरिया हो गया, और ये बोल रहा है सिक्स से छोटा, तो ये एरिया हो गया, तो एक्स बिलोंग्स टू फोर टू सिक्स। अब इधर फोर पे इक्वालिटी थी क्लोज ब्रैकेट, सिक्स पे नहीं थी ओपन ब्रैकेट। बच्चों इसमें बच्चे क्या करते हैं, केस लेते हैं, इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, गलत मेथड है। एक रूट है, एक ही कंडीशन है कि रूट के अंदर जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, बस। क्योंकि इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, बच्चों का दिमाग ये चलता है, हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी किया हो, या ये केस इनफ नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर नेगेटिव होता है, हो भी होता है तो भी चलता है, क्योंकि दोनों एक साथ नेगेटिव हो तो भी पास हो जाएगा ना मामला,
नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दो केस लेना पड़ेंगे। इतने केसेस क्यों लेना है आपको? वीवी कब हमें आता है, तो ये 4 माइनस एक्स को x माइनस 4 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज होएंगी। 1 4 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू 1,4। 1 4 इज इन द डिनोमिनेटर, तो 1 इंक्लूड होगा, 4 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना। यहाँ पर इस रूट के हिसाब से देखें तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर बच्चे फ्लो में इसको ग्रेटर देन ज़ीरो कर देते, लेकिन यहाँ सिर्फ डिनोमिनेटर है तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो ऑनली। तो यहाँ से हमें एक्स नॉट इक्वल टू 2 मिला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, टू थ्री, तो x बिलोंग्स टू 2, 2, 3 यहाँ से आया, लेकिन ये कह रहे हैं 2 नहीं हो सकता, तो आंसर है 2, 2, 3, 2 नॉट इंक्लूडेड, 3 इंक्लूडेड, ठीक है।